गुजरात के मशहूर शाही गोलगप्पे जिसे आज भी शाही खानदान के साथ मनसूब किया जाता है। उनके जायके की कशिश इंसान को मजबूर कर देती है। लोग लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों से ये गोलगप्पे खाने आते हैं। आप देख रहे हैं सप्ताह न्यूज और मैं हूं नवीद शाह। नाज़रीन, मैं आपको आज गुजरात लेके आया हूँ, गुजरात का रेलवे रोड और यहाँ पर शाही गोलगप्पे, जो कि 50 साल से गोलगप्पे लगाते हैं और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर और इस्लामाबाद से लोग यहाँ पर गोलगप्पे खाने आते हैं। इनके गोलगप्पों का इतना टेस्ट है कि लोग जो है मजबूर हो जाते हैं इनके पास आने के लिए। आज आपको दिखाएँगे कि इनके गोलगप्पों में ऐसी क्या खासियत है कि लोग इनके पास आते हैं, दूर दूर से आते हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह गोलगप्पे तैयार करते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, इनके गोलगप्पे खाते हैं और इतने मशहूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर जो हैं फनकार हैं, अदाकार हैं, इनके पास आते हैं और बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी इनके पास आते हैं कि ये गोलगप्पे इतने मशहूर हैं। आप ये बताएं कि आप क्या चीज़ें ऐसी डालते हैं जो इतना मशहूर हैं आप लोग? आलू बुखारे की चटनी होती है, रायता, और पानी के लिए स्पेशल आते हैं और ऊपर फ्रूट डालते हैं स्पेशली। ये बताएँ कि ये कितने किस्म के गोलगप्पे आपके पास? स्पेशल तो एक ही है ना, शाही गोलगप्पे, और सिंपल चने वाले भी होते हैं, पानी पूरी जो उसको बोलते हैं। तो ये कब से आपका कारोबार है जो कर रहे हैं ये? 50 साल से। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के? ये लाला मसाल और कुजराला जेलम और काफ़ी दूर से आते हैं, पूरे पंजाब से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं पूरे। हाँ जी। तो आपके पास आकर लोग खुश होते हैं कि इतने मशहूर गोलगप्पे हैं आपके, आपको क्या कहते हैं आगे? आगे बताते हैं स्पेशली गोलगप्पे इस तरह के भी नहीं खाए किसी और शहर में। हाँ जी, ये गुजरात की सौगात है स्पेशली, और किसी शहर में नहीं, इधर ही ब्रांच है ये। हाँ जी। इसमें इतना क्या जायका, कि डालते क्या हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं जो एक बार आता है दोबारा आता है? स्पेशली आलू बुखार की चटनी होती है ना जो आपको बोला, वो पानी साथ होता है, स्पेशली क्रीम और ऊपर फ्रूट स्पेशली डालते हैं हम। हाँ जी। गोलगप्पों में कितनी चीज़ें डालते हैं, कितनी चीज़ें ये पड़ी जो? अब प्लेट तैयार करते हैं फिर साथ ही बताई जाता हूँ। अच्छा, आप प्लेट तैयार करें और लोगों को बताते हैं कि इसमें ये देखें, ये गोलगप्पे डाले हैं ऊपर, ये आलू बुखारे की चटनी डाल रहे हैं और इसके साथ साथ और भी जो ऐट में डालेंगे वो आप देखिएगा। ये दही की चटनी है, मेरा रायता है साथ, और उसके साथ ये देखें, ये बड़ी ही लग रही है कि जैसे तैयार हो रही है, दिल करता है खाने को कि ये लोग, यही इसकी खासियत है। और खाने के साथ साथ इतने खूबसूरत लगते हैं कि जो शख्स देखने वाला है वो मजबूर हो जाता है कि इनके गोलगप्पे। ये देखें, ये प्लेट एक जो है तैयार हो चुकी है, इसमें तकरीबन हर किस्म का फ्रूट है, चने हैं और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। ये कितने की प्लेट है? 200 की। ये 200 की प्लेट है, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं लगती लोगों को? नहीं नहीं, काफ़ी ब्रांड है, जायका इतना है कि लोग देने को तैयार हैं। जी हाँ जी हाँ। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक गुजरात के शाही गोलगप्पे नहीं खाए वो ज़रूर एक बार इनके पास आएँ और चेक करें। ये 200 की एक प्लेट तैयार करते हैं और ये इसलिए मशहूर हैं कि इसमें हर तरह के फ्रूट शामिल हैं और जिस तरह ये साफ़ तरीके से काम कर रहे हैं, इतनी सफाई के साथ कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी मिसाल है। इसलिए ये 50 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं और ये गुजरात का मशहूर रेलवे रोड है जहाँ पर ये काम कर रहे हैं और दूर दराज से लोग आते हैं और ये जायका टेस्ट करते हैं। आप भी अगर मौका मिले गुजरात आने का तो एक बार ज़रूर रेलवे रोड पर आएँ और ये शाही गोलगप्पे खाएँ।